आप गौरव कीजिए उस धरती पर कि जहां महायोगी शिव और कोटि कोटि ऋषियों ने अपने पुण्य तप से इस धरती को पावन किया और इस उत्तर प्रदेश की उस धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को लेकर के इस प्रदेश को आर्थिक शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हमारे मुख्यमंत्री का मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिनकी जड़ें धर्म अध्यात्म संस्कृति अपनी सनातन परंपराओं से जुड़ी हैं और जिनके भीतर सोच है एक आधुनिक युवा की, जिनके दिल में दर्द है एक दलित शोषित वंचित पिछड़े व्यक्ति के लिए और जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश और देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री ऐसे आदरणीय अखिलेश जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आज बधाई है इस अनुष्ठान के लिए। देखो भाई, हम तो बाबा जी आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री जी हैं और ये पतंजलि आयुर्वेद के मालिक हैं, लेकिन मालिक ऐसे हैं कि एक रुपए का प्रॉफिट नहीं ले सकते एक रुपए का कोई डिविडेंड नहीं। कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से हम शाम को मुलाकात कर रहे थे, बोले आचार्य जी आप दुनिया के सबसे धनवान आचार्य, आपने पार्टी नहीं दी। बोले पार्टी के लिए पैसे नहीं देते बाबा जी माने पतंजलि आयुर्वेद दुनिया की एक पहली कंपनी है जिसका 97% डायरेक्ट और बाकी 3% जो कंपनियों के शेयर होल्डिंग है उनके भी डायरेक्ट यही है, तो 100% पतंजलि के का मालिकाना हक एक फकीर का है और वो संपत्ति अपने लाभ के लिए नहीं अपितु संपत्ति समृद्धि सेवा के लिए है। ट्रस्टीशिप का, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का कोई लाए एग्जाम्पल है तो श्रद्धा आचार्य बाक्षण जी। हमारे संजय अग्रवाल जी और आदरणीय श्री भटनागर जी, मैंने पहला मुख्य सचिव देखा जो बोलता बहुत कम है करता बहुत अधिक है और बड़ी गंभीरता है शालीनता है। अखिलेश जी के बारे में एक बात मैं हमेशा अनुभव करता हूं, राजनीति में कई बार ओछे शब्दों का प्रयोग होता है अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो संस्कार प्राप्त किए हैं, एक बार भी कभी भी कोई ओछा शब्द मुख्यमंत्री जी के मुख से नहीं निकलता अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए। ये बहुत ऊंचे संस्कारों की विरासत है इनके पास और आज जैसा भटनागर साहब ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर विकास का इतिहास लिखा जा रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भटनागर साहब ने 8,000 बोला था, भटनागर साहब इसमें कम से कम 10,000 लोगों को सीधे तौर पर और लाखों करोड़ों किसानों को परोक्ष तौर पर इससे लाभ होगा, ऐसा यह अनुष्ठान नोएडा की धरती से प्रारंभ होगा। इसमें कम से कम 3,000 से 5,000 टन तो गेहूं प्रतिदिन लगेगा, 3,000 से 5,000 टन प्रतिदिन। अब लगता है पूरा देश पतंजलि का ही आटा खाएगा। आटा तो इस धरती माता की कोख से हमें मिलता है, किसान पुरुषार्थ करके उसको अन्न को पैदा करता है, लेकिन विदेशी कंपनियां आटे के नाम पर ब्रांडिंग कर रही थी और नाम भी ऐसे रखे आशीर्वाद, लोगों को लगे कि अपना ही होगा। टमाटर हमारा, उसके ऊपर नाम रख दिया किसान, लेकिन उसका पूरा प्रॉफिट जाता था यूनिलीवर के पास। अब नोएडा में जो आटा का प्लांट लगेगा, बिस्किट का प्लांट लगेगा, जूस का प्लांट लगेगा और जो हॉर्लिक्स कॉम्प्लॉन और बॉर्नविटा तमाम जो विदेशी जो पावर ड्रिंक के नाम पर, हेल्थ ड्रिंक के नाम पर जो पिए जाते थे, उन सब का हमने विकल्प बना दिया है। अभी तो बहुत बड़ा वो ब्रांड बन चुका है,
अब उसका बहुत बड़ा प्लांट पावर वीटा का भी यही नोएडा में लगने वाला है। माने एक एक प्लांट उसकी कैपेसिटी 100, 200, 500 से लेकर के एक एक दो दो हजार टन की होगी, क्योंकि जमीन श्रद्धे आचार्य श्री, क्योंकि थोड़े ये मतलब बार्गेनिंग करने में बड़े माहिर हो गए, इसलिए इतनी सुविधाएं लेकर के भी ये कह रहे हैं हमको कुछ नहीं दिया उत्तर प्रदेश ने, 400 एकड़ से ज्यादा तो जमीन ले बैठे साहब। इससे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत, एनसीआर से लेकर के मध्य भारत तक, माने उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा, और मुझे लगता है कि ये फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दुनिया का भी बहुत प्लांट जो नोएडा में लगने जा रहा है। योग हमारे मूल में है, उद्योग तो उसका बाय प्रोडक्ट है, और योग मूलक इस उद्योग से लोगों के जीवन में समृद्धि आए, एक स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, और इस दिशा में यह नोएडा श्रद्धे आचार्य भाषण जी ने जैसे कहा उस श्रृंखला की एक कड़ी है। अभी बहुत बड़ा कार्य आगे हम उत्तर प्रदेश में डेयरी के क्षेत्र में भी करना जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को उनके दूध का पूरा मूल्य मिले और आपको शुद्ध दूध पीने को मिले, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर के व्यक्ति बहुत आशंकित रहता है। तो डेयरी के क्षेत्र में भी पतंजलि आगे भविष्य में यहां बड़ा कार्य करने की सोच रहा है। और हम लोग बीमारों का तो इलाज करते ही हैं, इधर पराग को भी थोड़ी बीमारी लग रही है, लगता है पराग जब पतंजलि के साथ मिल जाएगा तो उसकी भी बीमारी दूर हो जाए। उसमें कई तरह के ऐसे कार्य हैं जिनको आगे गति देने की आवश्यकता है, खास करके जो है पशु आहार के संदर्भ में आज यूरिया युक्त और कई तरह के मिट्टी आदि मिला करके जो पशुओं के लिए आहार बनाया जा रहा था, उससे पशु बीमार होकर के उनमें बांझपन और तमाम बीमारियों को शिकार हो रहे थे। हिंदुस्तान में चीन से लगभग 4 से 5 लाख करोड़ का और पूरी दुनिया से करीब 25 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, करीब 25 लाख करोड़ रुपए की देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। ये 50 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी कंपनियों का 50 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर कब्जा है, हमने सोचा कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हम पतंजलि की ओर से करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे कि इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से इस देश को मुक्ति दिलाई जा सके। और इसमें ये नोएडा का जो प्लांट है, इसमें हजारों लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर, 10,000 से ज्यादा लोगों को और लाखों करोड़ों किसानों को परोक्ष तौर पर इससे लाभ मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हर वर्ष करीब 20 से 25 हजार करोड़ का प्रोडक्शन अकेले इस नोएडा की यूनिट से हो गया, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। और इसके लिए मैं आप सबको, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश हम सबका प्रदेश है और हमने तो बचपन से ही वेद का मंत्र पढ़ा है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, ये धरती माता, ये भारत माता, यह हमारे लिए बहुत गौरवशाली भूमि है। और इसमें भी मैंने कहा उत्तर प्रदेश तो सारे देश में सबसे खास है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत है, और उस आध्यात्मिक विरासत को लेकर के इस प्रदेश को मैंने कहा आर्थिक बुलंदियों के शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हमारे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही पुरुषार्थी, और जिनके कार्य को लेकर के, जिनके आज तक जो उन्होंने किया है उसको लेकर के सारे लोग मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने चुनौतियों के बीच में इस प्रदेश में बड़े बड़े कार्यों को आयाम दिया है, उनको हमारी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूंगा, ये योग मूलक उद्योग का ये अभियान, ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए नहीं है। हमारा सपना है कि हम एक ऐसा देश बनाएं जो कृषि से लेकर के
उद्योग से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य आदि से लेकर के हर क्षेत्र में स्वावलंबी हों। हम तो सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी यही हमारी लड़ाई रहेगी कि सामंतवाद और पूंजीवाद का खात्मा हो, समग्र संतुलित स्थायी विकेंद्रित सात्विक विकास की दिशा में पूरे देश और दुनिया में एक नई सोच पैदा हो। क्योंकि आजकल बहुत चीजों की डेफिनेशन तय हो गई है कि लोकतंत्र की क्या डेफिनेशन है सबको पता है, मनुष्य की क्या परिभाषा ये पता है। हमने बहुत योग की परिभाषा से लेकर के बहुत चीजों की परिभाषा घड़ दी, लेकिन बिजनेस की परिभाषा क्या है? बिजनेस को लोग समझते हैं कि केवल प्रॉफिट गेन करने के लिए हम कोई बस काम कर रहे हैं, नहीं, जिसमें इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, डिसेंट्रलाइज एंड जस्टिसफुल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और सबकी सबकी विकास की बात होती हो, वो सचमुच उद्योग होता है, वह सचमुच व्यवसाय होता है और वो पतंजलि ने करके दिखा है। एक नई दृष्टि दी है इस सृष्टि में उद्योग के क्षेत्र में और उसके लिए आज एक बहुत बड़ा पुण्य अभियान उत्तर प्रदेश की पुण्य धरा से प्रारंभ हो रहा है। उसका आज यहाँ ये शिलान्यास का अनुष्ठान है और मैंने श्रद्धा आचार्य श्री से आग्रह किया है कि वो कार्य अभी दिसंबर से प्रारंभ हो जाए और 2017 के अंत तक वो नोएडा की पूरी यूनिट जो है प्रारंभ हो जाए, इस संकल्प के साथ हम एक बार आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम।